बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बिहेवियर साइंस सेंटा पेपर्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर सेंटा अपनी बल्कि पास्ट यूएचएस के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिहेवियर साइंस के। आई थिंक आपको शायद विजिबल हो या ना हो, आई थिंक अब विजिबल हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर वन है, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट कम्स टू यू विद अ प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट फॉरगेटिंग। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन से वेज है जिनके जरिए आप मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन इस जगह से डिराइव किया गया सेक्शन सी के अंदर। तो मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी, मिमोनिक है एम एस को सारा, एम से मिमोनिक्स, एस से सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन, के से नॉलेज है, ए से ऑर्गेनाइज करना, ओ से ओवर लर्निंग है, एस से स्लीप है, एस से सिलेक्शन है, एस से स्पेस प्रैक्टिस है, ए से अटेंशन है, आर से रिव्यू है, आर से रिसाइटेशन एंड रिहर्सल है, और ए से बनेगा अटैच फीलिंग एंड इमोशंस। तो ये सारे इनको याद करने के लिए भी हमने एक मिमोनिक बना दिया है। तो फिर इस चीज़ को तैयार कर लेना, इस तरह से आपने ये पढ़ने हैं कि आप वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो टू इम्प्रूव मेमोरी। ओके, अटेंशन, ऑर्गेनाइज, ओवर लर्निंग, स्लीप, सिलेक्शन, मिमोनिक, स्पेस प्रैक्टिस, नॉलेज ऑफ रिजल्ट, रिव्यू, रिसाइटेशन एंड रिहर्सल, सीरियल पोजिशन एंड अटैच फीलिंग एंड इमोशंस। तो इन तरीकों के जरिए वो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, सम टाइम वी नोटिस डेट आ फ्यू ऑफ आवर क्लासमेट्स एंड टीचर डील विद द प्रॉब्लम इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। वट इज़ द क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग को डिफाइन करो एंड वट आर द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है, एंड इन लिस्ट फ्यू क्वालिटीज एसोसिएटेड विद द क्रिएटिविटी प्रोफाइल। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये भी सेक्शन सी में से लिया गया है। तो सेक्शन सी में से एक और सवाल आ चुका है। तो क्रिएटिव थिंकिंग है, ओके, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव थिंकिंग एक वे ऑफ लुकिंग होता है प्रॉब्लम या सिचुएशन को फ्रेश पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, या किसी और जाविये से किसी भी चीज़ को देखना, या नए अंदाज से किसी की चीज़ के बारे में सोचना, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, तो क्रिएटिव थिंकिंग के क्या स्टेजेस होते हैं? इसका मिमोनिक होता है ओपीआईड से निकला, तो ओपी वे, ओ से ओरिएंटेशन, पी से प्रिपरेशन, आई से इंक्यूबेशन, आई से इल्यूमिनेशन एंड वी से वेरिफिकेशन है। ओके, फिर इसके बाद पूछता है क्रिएटिविटी प्रोफाइल, जो क्रिएटिव थिंकिंग है उनकी क्या क्वालिटीज होती है, उनकी अनयूजुअल अवेयरनेस होती है पीपल, इवेंट्स या प्रॉब्लम की, उनकी वर्बल फ्लुएंसी काफी ज्यादा हाई डिग्री की होती है, सोशल सोशल सिचुएशन के अंदर हाईली फ्लेक्सिबल होती है, एडजस्ट कर लेती है अपने आप को, इनके पास नए नए ओरिजिनल आइडियाज क्रिएट हो रहे होते हैं, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी ज्यादा ओरिजिनल होता है। तो इनके आइडियाज भी ओरिजिनल और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है। इनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो चीजों को ऑर्गेनाइज करके नई चीज बना लेते हैं। एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, एक्टिविटी लेवल ज्यादा होता है, किसी भी टास्क को एक मरतबा स्टार्ट करते हैं तो उस पर परसिस्ट रहते हैं। ओके ओके, रोज़ाना की एक ही जैसे रूटीन से इरिटेट हो जाते हैं, हमेशा नई नई चीज़ें करना करना चाहते हैं और रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो ये क्रिएटिविटी प्रोफाइल की क्वालिटीज थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिफाइन मेडिकल एथिक्स, नेम इट्स टू मेन टाइप। मेडिकल एथिक्स जो होती है डॉक्टर प्रोफेशनल लाइफ के मॉरल एस्पेक्ट को मेडिकल एथिक्स बोलते हैं। मेडिकल एथिक्स को दो में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स। ओके, डिस्क्रिप्टिव में क्या करना चाहिए और नॉर्मेटिव में असल में होता क्या है, ठीक है। ओके, और फिर मेडिकल एथिक्स के आई थिंक पिलर्स पूछ रहा है चार, तो ऑटोनॉमी है, बेनिफिशेंस है, नॉन मैलिफिशेंस है और जस्टिस होती है। ऑटोनॉमी के अंदर पेशेंट के पास पूरा इख्तियार है कि वो किसी भी डिसीजन कर सकता है या किसी भी ट्रीटमेंट को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, किस ट्रीटमेंट को चूज करता है। बेनिफिशेंस के अंदर ये होता है कि जो डॉक्टर है वो सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा। नॉन मैलिफिशेंस के अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जस्टिस के अंदर हर एक से अच्छे सलूक से और बराबर सलूक से पेश आएगा, ठीक है, जस्टिस करेगा हर एक के साथ। नेम टू डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज यूजिंग। तो क्वेश्चन नंबर फोर एक स्टेटमेंट बताई हुई है, थायरोक्सिन टैबलेट्स है। ओके, द ट्रीटमेंट एडहेरेंस हैज फ्रीक्वेंटली बीइंग पुअर है। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर यह सिनेरियो है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसको थायरोक्सिन की टेबलेट दी गई है, लेकिन पेशेंट टेबलेट ही नहीं लेता बल्कि कहता कि मैं ठीक ठाक हूँ। ओके, तो वो कहता है कि मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वो डॉक्टर को ब्लेम करता है फॉर बीइंग अनफेयर टू हिम। ओके, यानी अपना जो है, अपना जो चीज़ है वो किसी और के ऊपर डाल देना, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो इन दो डिफेंस मैकेनिज्म को वो यूज़ कर रहा था, रेशनलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट के अंदर अपने अनकॉन्शियस यानी अपने जो इंटेंस इमोशंस होते हैं किसी और लोगों के ऊपर मुसल्लत कर देना, फॉर एग्जांपल अपना गुस्सा किसी और के ऊपर उतार देना, ठीक है, और जो
रेशनलाइजेशन के अंदर अपनी फीलिंग को जस्टिफाई करना जो कि अनरीजनेबल होती है, और रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना, तो ये रेशनलाइजेशन है। इसके अलावा वो डिनाइल को भी फॉलो कर रहा था कि वो यकीन ही नहीं कर रहा था कि वो बीमार है, तो डिनाइल वाला भी आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट है और रेशनलाइजेशन है। ठीक है, हाउ शैल यू इम्प्रूव हिज ट्रीटमेंट एडहेरेंस होती है, तो ट्रीटमेंट एडहेरेंस को आप कॉम्प्लायंस बोलते हैं, तो कॉम्प्लायंस वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो कॉम्प्लायंस वाले टॉपिक के अंदर ट्रीटमेंट एडहेरेंस को कॉम्प्लायंस बोलते हैं, तो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो एसेंशियल एलिमेंट्स डैट रिक्वायर्ड इम्प्रूव, तो कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से बेहतर बनाओगे। ओके, इसके अलावा नंबर टू है पेशेंट हेल्थ बिलीफ मॉडल की अवेयरनेस है, इमोशनल सपोर्ट है, ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर फोकस करना। ओके, और जो एक्सेप्टेबल कोर्स है उसको चूज़ करवा देना, स्पेसिफिक प्लान की डेवलपमेंट होती है, और पेशेंट के डिप्रेशन को या होपलेसनेस को रिकॉग्नाइज करना। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप ट्रीटमेंट एडहेरेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, कंप्लायंस को इम्प्रूव कर सकते हो। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आईसीयू साइकोसिस है एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स, उसको मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, तो आईसीयू साइकोसिस वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो इंटेंसिव केयर यूनिट वाले वार्ड के अंदर कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसको बोलते हैं आईसीयू साइकोसिस या इंटेंसिव केयर यूनिट सिंड्रोम। इसमें वेकफुलनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, डिसओरिएंटेशन होती है, विजुअल हेलुसिनेशन होती है। ओके, अब होता ये है कि बंदा काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, सेंसरी ओवरलोड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नॉइस ऑफ गैजेट्स, मॉनिटर्स, एक्टिविटी ऑफ स्टाफ और हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसकी वजह से जो सिंड्रोम आ जाता है उसको बोलते हैं हम आईसीयू सिंड्रोम, यानी जो रिलेटिव्स होते हैं आईसीयू के बाहर वेट कर रहे होते हैं कि इनका पेशेंट कैसा है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड की वजह से इन द फॉर्म ऑफ नॉइस, मॉनिटर्स, ठीक है, इन सब की वजह से ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन की वजह से जो सिंड्रोम आ सकता है इसको आईसीयू साइकोसिस बोलते हैं। इसमें इंक्रीज वेकफुलनेस होती है, डिसोरिएंटेशन होती है, विजुअल हेलोसिनेशन होती है, डिप्रेशन होता है, सोशल विड्रॉल एनजाइटी होती है, हेलोसिनेशन होती है, डिलीरियन होती है, डिलीरियम होता है। ओके, तो ये आईसीयू सिंड्रोम होता है। अब इसको ट्रीट किस तरह से करना है, इसकी क्या इंटरवेंशंस होती है, आईसीयू से अंदर और आईसीयू के बाहर, आईसीयू के अंदर पेशेंट को एजुकेट करना, पेशेंट को फुली प्रिपेयर करना है, ओरिएंटेशन डिवाइसेस को यूज़ करना है लाइक क्लॉक्स, विंडो, उसके पेन को मिनिमाइज कर देना है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर को रिड्यूस कर देना है। ओके, पेशेंट की कम, यानी आपने बी केयरफुल रहना है जब पेशेंट की डेंजरस सिचुएशन को डिस्कस करते वक्त। ओके, एज्यूमिंग द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, फिर आउटसाइड द आईसीयू है फैमिली विजिटर्स के लिए एक प्रॉपर प्लेस का बंदोबस्त करना है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, काउंसलिंग के लिए एक सेपरेट रूम अलोकेट कर लेना है। ठीक है, तो ये आईसीयू साइकोसिस और इसकी इंटरवेंशन है। जल्दी जल्दी इसलिए कवर किया क्योंकि क्योंकि मैं सेक्शन ए बी सी डी ई के ऊपर सेपरेट वीडियोस लाने वाला हूँ, यानी सेक्शन ए के पूरे पास पेपर, सेक्शन बी के पास पेपर, सेक्शन सी के पास पेपर्स। बस थोड़ा सा वेस्ट नहीं बल्कि वेट करना पड़ेगा 1-2 दिन बस, इसके बाद मैं हर सेक्शन के ऊपर सेपरेट पास पेपर की वीडियो अपलोड कर दूंगा, इस तरह सेंटअप वाले पेपर्स को देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।